जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, यहाँ पर आपकी इंडियन आर्मी में जो आपकी ईस्टर्न कमांड में कमांड हॉस्पिटल में ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, टोटल 158 वैकेंसी। तो उसके ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिल करना है वो आज आपको हम लाइव बताने वाले हैं। और देखिए, यदि भर्ती कंप्लीट जानकारी आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भर्ती कंप्लीट जानकारी आप लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको चार चीज़ चाहिएगी। इसमें आपकी ये दो एनवलप और यहाँ पर दो आपके जो ये फॉर्म हैं वो आपको प्रिंट आउट करवा लेने हैं। तो इसमें देखिएगा, ये जो आपका एनवलप है इसमें आपको क्या लिखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम और फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक साइड में लिखना है फॉर्म, लिखने के बाद आपका खुद का एड्रेस, आपका नेम, फादर नेम, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ पर टू लिखकर आपको जो एड्रेस लिखना है वो आपको ये वाला एड्रेस लिखना है, द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल एसी अलीपुर कोलकाता 700027। इस एड्रेस पर फॉर्म जो आपको भेजना होगा। और यहाँ पर इसी एनवलप में जो आपको सभी डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म डालना है लिखकर आपको भेज देना होगा। ओके, इसके बाद जो आपका सेकंड एनवलप है वो आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है और इसको हम बोलते हैं सेल्फ एड्रेस एनवलप। इसमें आपका सिर्फ खुद का एड्रेस आपको लिख देना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो फॉर्म आपको फिल करने हैं वो देखिए कैसे फिल करने होंगे। तो यहां पर देखिएगा, यह आपके फॉर्म का पहला पेज रहने वाला है। यहां पर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि किस न्यूज़पेपर से आपको ये भर्ती की जानकारी मिली है, तो आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। उसके बाद इस भर्ती का एडमिशन नंबर जो कि आपका रहने वाला है EN5/85, ओके, EN5/85 जो आपका यहाँ पर एडमिशन नंबर है वो रहने वाला है। और डेट आपको लिखनी है 30 अप्रैल से 6 मई 2022, ओके। और यहाँ पर आपको जो खुद की फ़ोटो है वो चिपका देनी है। अब नीचे आना है और नीचे आने पर देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले आपका खुद का नाम, सबसे पहले आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना होगा। ओके, और हिंदी इंग्लिश में अपना नाम लिखने के बाद जो आपका फादर नेम है वो आपको लिखना है, आपका मदर नेम आपको लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के लास्ट डेट तक आप कितने साल के हो जाते हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लास्ट डेट कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है आपकी 14 जून 2022, ओके। तो ये दो डेट बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा यदि आप लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं। उसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है, नेशनलिटी आपका इंडियन, फिर आपका रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको लिखना खुद का एड्रेस, सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि फ़िलहाल में आप कहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार से आपका एड्रेस रहने वाला है वो पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है विद आपका पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना होगा, ओके। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो लिखनी होगी। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको बतानी है। सबसे पहले अपना जो एग्जाम है उसका नाम, फिर किस साल आपने वो एग्जाम पास किया था उस वर्ष का नाम, इसके बाद आपके बोर्ड का नाम, फिर कितनी परसेंटेज आपके रहने वाली है, आपका डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है और रिमार्क्स में आपको लिखना है पास, ओके। फिर आपको देखिए यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो उसकी जानकारी आप लोग दे सकते हैं और फिर यदि आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। ये आपका पहला पेज रहने वाला है।
उसके बाद ये आपके फॉर्म का सेकंड पेज, यहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो पढ़ लेने हैं, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो खुद के सिग्नेचर हैं और जो खुद का नाम है वो आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो सुनिएगा। सबसे पहले आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि आपकी 3 फ़ोटो जिनके ऊपर खुद के साइन आपको करने होंगे वो आपको फॉर्म के साथ भेजनी है। इसके अलावा जो पोस्टल ऑर्डर आपको पे करना है वो भी आपको भेजना होगा। और पोस्टल ऑर्डर देखिएगा आपको किसके फेवर में पे करना है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल AC अलीपुर कोलकाता 7000027, इसके फेवर में आपको पोस्टल ऑर्डर पे करना होगा। इसके बाद जो डाकखाने से पोस्टल ऑर्डर आप लोग लेने वाले हैं तो वहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस डेट को पोस्टल ऑर्डर आप लोग लेने वाले हैं उसकी डेट आपको डालनी है, और फिर यहाँ पर देखिए आपको 100 रुपये का जो अमाउंट है वो सभी को पे करना होगा। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अपने फॉर्म के साथ वो कौन कौन से लगाने वाले हैं आप लोग, वो भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि 10th क्लास, +2 क्लास, आधार कार्ड, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है फॉर्म के साथ आपको लगानी है। इन बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आपको जो है भेजने होंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो आपको लेफ्ट हैंड का, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको राइट थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पर इस कॉलम में लगाना होगा। और नीचे आने पर यहाँ पर आपको खुद के सिग्नेचर और खुद के जो साइन हैं वो आपको यहाँ पर अपना नेम सिग्नेचर वो कर देने होंगे, ओके। तो इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है आपके फॉर्म को फिल करने की। और देखिए जो पोस्टल ऑर्डर है आपको कुछ नहीं करना, डाकखाने में जाना है और वहाँ पर आपको ये चीज़ बोलनी कि हमें पोस्टल ऑर्डर चाहिए, उसमें ये चीज़ खुद से आप लोग जो फिल कर लेंगे, ओके। तो देखिए फॉर्म को फिल करने की जो कंप्लीट आपकी जानकारी है वो आपको हमने बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी बता दिया है, जो आपके एनवलप है उसके ऊपर क्या कुछ लिखना है, कैसे क्या आपको फिल करना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव आपको हमने बता दी हैं, ओके। तो आपका एक ये पेज, सेकंड आपका ये पेज, और उसके बाद ये आपके जो 2 एनवलप हैं ये सब चीज़ आपको भेजनी है विद आपके सभी डॉक्यूमेंट और आपका पोस्टल ऑर्डर जो आप लोग पे करने वाले हैं, ओके। सभी को 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो पे करना होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये थी आपकी भर्ती कंप्लीट जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए भर्ती की जो कंप्लीट जानकारी है उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भर्ती की पूरी जानकारी आप लोग समझ सकते हैं। तो आगे के हर प्रकार के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।